क्या हो जब एक नास्तिक लड़के को एक आस्तिक लड़की से प्यार हो जाए, क्या वो खुश रह सकते हैं या नहीं, चलिए मूवी में देखते हैं। सो मूवी की स्टार्टिंग होती है, हमें विप्लव के पापा दिखते हैं जो एक नास्तिक ग्रुप के प्रेसिडेंट थे। वो कहते हैं, क्या हो गया है इंसानों को, हर चीज़ के लिए सिर्फ मुहूर्त देखते हैं। डॉक्टर भी मुहूर्त देख के ऑपरेशन कर रहे हैं और रॉकेट भी मुहूर्त देख के भेजा जा रहा है, हम पीछे जा रहे हैं। मैं सिर्फ साइंस पे विश्वास करता हूँ और जो आस्था सच को ना देख पाए वो अंधश्रद्धा है। और सीन विप्लव की माँ पे शिफ्ट होता है। विप्लव की माँ चुपके से भजन सुन रही थी। विप्लव कहता है, पापा ने देख लिया तो। तभी विप्लव के पापा आते हैं, वो अपनी वाइफ पे गुस्सा करते हैं क्योंकि वो मंदिर भी गई थी और इससे विप्लव के पापा की छवि खराब होती है उनके समाज में। विप्लव भी नास्तिक था, वो किसी चीज़ में नहीं मानता था। वो गवर्नमेंट जॉब करना चाहता था क्योंकि वो सिटी से बोर हो गया था। वो अपनी बॉस से रिक्वेस्ट करके कश्मीर ट्रांसफर लेता है, वो कश्मीर में मजे करता है। लेकिन कुछ टाइम में ही वो तंग आ जाता है क्योंकि उसने जैसा सोचा था कश्मीर बिल्कुल भी वैसा नहीं था। उसे यहाँ पे सब लोग सेब खाने के लिए दे रहे थे, अब वो यहाँ से जाना चाहता था। उसकी बॉस उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनती। और एक दिन बोर्ड पे विप्लव एक लड़की को देखता है। उसे देखते ही विप्लव को उससे प्यार हो जाता है। वो उसके पीछे जाता है, उसे बेगम बुलाता है। उस लड़की की दोस्त बताती है इसका नाम आरा है और ये पाकिस्तान से आई है अपने भाई फिरोज को ढूंढने। विप्लव के साथ वाला आदमी डर जाता है। आरा की दोस्त कहती है, इसके रिश्तेदार टेररिस्ट कैंप में ट्रेनिंग देते हैं, ये बहुत खतरनाक है। विप्लव तब भी उसे अपना आईडी कार्ड देता है और कहता है, इसमें मेरा फ़ोन नंबर है, प्लीज़ मुझे फ़ोन ज़रूर करना। आरा अपनी दोस्त से कहती है, तुमने झूठ क्यों बोला। उसकी दोस्त कहती है, उससे पीछा छुड़ाने के लिए। और बाद में आरा महाबलेश्वर मंदिर जाना चाहती थी। वो एक आदमी से पूछती है, उस आदमी को शक होता है क्योंकि आरा ने मुस्लिम गेटअप ले रखा था। वो अपने आदमियों से कहता है, शायद ये जासूस है। विप्लव आरा से वापस मिलता है, आरा हैरान होती है। विप्लव कहता है, अपने भाई को ढूंढ रही हो ना, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। और वो जोर जोर से अनाउंस करके कहता है, आरा के भाई फिरोज, तुम जहाँ भी हो या आ जाओ, तुम्हारी बहन परेशान है। और तभी वो आदमी आरा और विप्लव पे हमला करने आते हैं। आरा डरती है, विप्लव के पीछे छुपती है। विप्लव कहता है, ये तुम्हारे लोग हैं ना, इन्हें समझाओ। आरा डरी हुई थी, विप्लव समझ जाता है। वो बड़ी मुश्किल से आरा और उसकी दोस्त को वहां से बचा के ले जाता है। आरा मंदिर आती है, विप्लव हैरान होता है। आरा की दोस्त बताती है, आरा सब में मानती है, वो अपने भाई को ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकती है। विप्लव को और अच्छा लगता है, वो अपने आप से कहता है, वाह, इतनी शरीफ लड़की मुस्लिम होने के बाद भी मंदिर में जा रही है। और उसके बाद आरा सारे रिचुअल जल्दी करती है। विप्लव आरा को कहता है, आप दोनों मेरे साथ सो सकती हैं आज रात। आरा की दोस्त कहती है, जी ये क्या कह रहे हो। विप्लव कहता है, मतलब मेरे होटल में। आरा की दोस्त आरा से कहती है, गुंडे हमें परेशान कर सकते हैं, इसके साथ ही रहना ठीक होगा। आरा मान जाती है, विप्लव हमेशा उसे बेगम बुलाता था, वो उसे काफ़ी प्यार करता था, वो उसके लिए बिरयानी भी लाता है। आरा को उल्टी होती है विप्लव। विप्लव फिर हैरान होता है। आरा की दोस्त कहती है, पाकिस्तान में भी वेजिटेरियंस हैं। आरा अपनी दोस्त से कहती है, ये मुझे पटा लेगा। आरा की दोस्त आइडिया देती है और आरा प्रे करने का नाटक करती है। विप्लव को तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अगले दिन बहुत सारे बच्चे ले आता है, फिरोज नाम के। आरा कहती है, इनमें से कोई भी मेरा भाई नहीं है। और एक बच्चा कहता है, मैं खो गया हूँ, मुझे मेरी फैमिली के पास पहुँचा दो। विप्लव आर्मी ऑफिसर से बात करके उस लड़के को उसकी माँ के पास पहुँचाता है। उसकी माँ बहुत ही खुश होती है। विप्लव को अच्छा लगता है। वो आरा से, पहले मैं आपको इम्प्रेस करने के लिए आपके भाई को ढूंढ रहा था, लेकिन अब सच्चे दिल से ढूंढना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ, मैं आपका भाई ढूंढ के रहूँगा। आरा उससे और इम्प्रेस हो जाती है और अगले दिन वो अपने दोस्त के साथ चली जाती है और मिरर में लिखती है, फिरोज मिल गया, हम जा रहे हैं। विप्लव आरा के बिना नहीं रह सकता था। वो पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन में चेक करता है, लेकिन आरा दूसरी ट्रेन में थी। विप्लव आरा के पास जल्दी जाता है और कहता है, आप गलत ट्रेन में आ गई, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपके साथ पाकिस्तान चलूँगा। और कहता है, वैसे बेगम आपका भाई कहाँ है, उससे मिलवाना। आरा कहती है, बेगम नहीं, ब्राह्मण, मेरा नाम आराध्या है और मैं ब्राह्मण हूँ। विप्लव शौक होता है और आराध्या सारा सच बताती है। विप्लव कहता है, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। आराध्या कहती है, तुमने उसको ढूंढने की इतनी कोशिश करी जो था ही नहीं, मैंने तुम्हारी मेहनत देखी और मेरे को तुमसे प्यार हो गया। विप्लव खुश होता है, एक आदमी स्वामी का प्रवचन देख रहा था। विप्लव बंद करवाने लगता है और कहता है, मैं यहाँ ज़रूरी बात कर रहा हूँ। और तभी आराध्या कहती है, वीडियो में जो स्वामी है वो मेरे पापा हैं। विप्लव और शौक होता है और उसे अपने पापा का नाम बताता है। आराध्या भी शौक होती है क्योंकि आराध्या के पापा और विप्लव के पापा दुश्मन थे, दोनों न्यूज़ डिबेट में जाकर बहुत बार लड़ चुके थे। आराध्या कहती है, अब क्या होगा। विप्लव कहता है, हम हार नहीं मानेंगे। विप्लव अपनी माँ को बताता है आराध्या के बारे में। उसकी माँ शौक होती है, लेकिन आराध्या से बात करके उन्हें अच्छा लगता है और वो डर के मारे कहती, तेरे पापा को कैसे मनाएंगे।
और दूसरी तरफ आराध्या की दादी को सच पता चलता है। उन्हें विप्लव पसंद था और आराध्या और विप्लव अपने पापाओं से बात करते हैं और दोनों के पापा गुस्से में मना करते हैं, लेकिन बहुत मनाने के बाद दोनों मिलने के लिए तैयार होते हैं। दोनों एक दूसरे के घर में नहीं मिलना चाहते थे, इसलिए वो मेट्रो में मिलते हैं। आराध्या के पापा शादी की बात के लिए भी पहले मुहूर्त देखते हैं। विप्लव के पापा को तभी गुस्सा आता है। आराध्या के पापा कहते हैं, शादी के लिए एक रीजन दीजिए। विप्लव के पापा कहते हैं, हम मुहूर्त नहीं देखते, हमें दहेज नहीं चाहिए और ना हम धर्म देखते हैं। आराध्या के पापा कुंडली मांगते हैं विप्लव की। विप्लव के पापा कहते हैं, हमने बनवाई ही नहीं। तभी विप्लव की माँ निकाल के देती है और कहती है, मैंने चुपके से बनवाई थी। विप्लव के पापा फाड़ने लगते हैं। विप्लव की माँ को पता था, वो ओरिजिनल कुंडली निकालती है और आराध्या के पापा देखते हैं और कहते हैं, दोनों की कुंडलियाँ उल्टी हैं, अगर शादी हुई तो ग्रह कलेश, गलत फहमी, लड़ाइयाँ और मिसकैरेज भी होगा। इन सब का एक ही उपाय है, हवन। विप्लव के पापा मना कर देते हैं और वो गुस्से में जाते हैं। आराध्या अपने पापा को समझाने की कोशिश करती है और विप्लव अपने पापा को, दोनों ही नहीं मानते। विप्लव कहता है, मैं कल ही शादी करूंगा उससे। और आराध्या अपने पापा से कहती है, वो अच्छा लड़का है, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। आराध्या के पापा कहते हैं, तो हमारे बिना जी सकती है क्या? एक काम कर, तू जा, मुझे पता है तू 6 महीने में खुद वापस आ जाएगी। और वो उसे घर से भगा देते हैं और उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देते हैं। आराध्या को ये पसंद नहीं था। विप्लव आता है, वो कहता है, हम दोनों अपनी फैमिलीज को प्रूफ कर देंगे कि हम सिर्फ प्यार के साथ एक साथ रह सकते हैं। और आराध्या भी मानती है और दोनों शादी करते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके बाद विप्लव आराध्या को अपनी बॉस के पास ले जाता है। उसकी बॉस अपनी बेटी के बारे में बताती है कि उसे नेचर से लगाव है, इसलिए वो हमसे दूर रहती है। और आराध्या और विप्लव खुशी से एक साथ रहते हैं और आराध्या प्रेग्नेंट होती है। विप्लव खुश होता है, लेकिन कुछ ही हफ्ते में उसका मिसकैरेज होता है। विप्लव का दोस्त मिठाई लेकर आया था, विप्लव उस पर गुस्सा करता है। प्रेगनेंसी की न्यूज़ आराध्या के घर में पता चलती है, वो हैरान होते हैं क्योंकि आराध्या के पापा की बात गलत साबित हो गई थी। और आराध्या की दादी आराध्या से मिलने के लिए कहती है। दूसरी तरफ विप्लव के पापा ढोल बजवाते हैं आराध्या के पापा की बात गलत साबित होने की वजह से। दोनों एक ही टाइम पर घर पे आते हैं। विप्लव के पापा आराध्या के पापा का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं, क्यों, क्या हुआ, अब यकीन हुआ ना, सिर्फ साइंस ही सच है। और वो बहुत मजाक उड़ाते हैं। आराध्या गुस्से में सच बता देती है। आराध्या के पापा फिर कुछ नहीं कहते, वो अपनी बेटी से कहते हैं, जल्दी हवन करवा लो। विप्लव के पापा भी शौक होते हैं और जाते हैं। विप्लव आराध्या से कहता है, सच बताने की क्या जरूरत थी? आराध्या कहती है, तुम बस चुपचाप मेरे पापा की बेइज्जती देख रहे थे। विप्लव कहता है, हमने तय किया था ना, हम किसी की भी साइड नहीं लेंगे। आराध्या कहती है, चुप रह के भी तुम अपने पापा की साइड ही ले रहे थे। विप्लव कहता है, बोल तो ऐसे रही हो जैसे पहली बार झूठ बोला हो। आराध्या कहती है, मैंने कब झूठ बोला? विप्लव कहता है, पाकिस्तान। और वो गुस्से में रूम में जाता है और आराध्या के मुंह पे दरवाज़ा बंद करता है। आराध्या को गुस्सा आता है और सुबह विप्लव ऐसे एक्ट करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आराध्या उसे लड़ने लगती है और विप्लव की बॉस आती है उन्हें समझाने। आराध्या उसे बीच में पड़ने से मना करती है। विप्लव आराध्या से अपनी बॉस को सॉरी बुलवाता है और आराध्या और नाराज होती है। वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। विप्लव को अपनी गलती का एहसास होता है। वो आराध्या को बहुत बार सॉरी कहता है, आराध्या नहीं मानती। और मेट्रो में कुछ लोग आराध्या को छेड़ते हैं। विप्लव सबको मारता है और काफ़ी मनाने के बाद आराध्या मान जाती है। वो कहती है, अपनी संतुष्टि के लिए हम दोनों को टेस्ट करवाने चाहिए। विप्लव मान जाता है। वो बड़ी मुश्किल से टेस्ट करवाता और आराध्या की ऑफिस में पार्टी में जाता है। एक आदमी आराध्या से फ्लर्ट कर रहा था। विप्लव को गुस्सा आता है। वो कहता है, घर में दुखी रहती और यहाँ देखो कितनी खुश हो रही है। और आराध्या उसे रिपोर्ट के बारे में पूछती है। विप्लव गुस्से में नहीं बताता। आराध्या के दोस्त विप्लव को बाबा और डॉक्टर को दिखाने के लिए कह रहे थे। विप्लव सुन लेता है। वो गुस्से में सबके सामने अपनी रिपोर्ट दिखाता और कहता है, मैं नॉर्मल हूँ, मेरे वाइफ आप सबको झूठ बोल रही है। आराध्या और विप्लव की फिर लड़ाई होती है। आराध्या लड़ाई झगड़े से परेशान हो गई थी, उसे अपने पापा की बात सही लग रही थी। वो हवन के लिए कहती है। विप्लव मना करता है क्योंकि उसके पापा की समाज में इज्जत थी। और विप्लव कहता है, हर कपल्स में फाइट होती है, तुम इसे गलत क्यों ले जा रही हो? आराध्या गुस्से में पूछती है, टेस्ट के टाइम तुम किसके बारे में सोच रहे थे? विप्लव गुस्से में कहता है, मुझे बचपन से टाइटेनिक की हीरोइन पसंद है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा क्या? आराध्या को और गुस्सा आता है। विप्लव की बॉस उसे अपनी बेटी के बर्थडे पर इन्वाइट करती है और विप्लव आराध्या को चलने के लिए कहता है क्योंकि उसकी बॉस ने कहा था दोनों को आने के लिए। और आराध्या मान जाती है और हमें पता चलता है उसकी बॉस की बेटी पहले ही मर गई थी। तब भी दोनों खुशी से उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। विप्लव की बॉस बताती है, हमारी बेटी प्रीमेच्योर बच्ची थी, वो काफ़ी कमज़ोर थी, डॉक्टर ने कहा ये कुछ ही महीने जिंदा रहेगी। रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया, सिर्फ मेरे पति ने मेरा साथ दिया और हम दोनों ने एक साथ
उस बच्चे को 5 साल तक पाला और उसके बाद हमारा दूसरा बच्चा करने का मन ही नहीं किया, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। और बाद में आराध्या अपने घर जाने के लिए निकलती है, विप्लव रोकने की कोशिश करता है लेकिन आराध्या नहीं मानती। और विप्लव को आराध्या की बहुत याद आती है और वो प्रेगनेंसी किट भी देखता है, उसे एहसास होता है। वो आराध्या के पापा के घर आता और कहता है, मैं हवन के लिए तैयार हूँ। आराध्या के पापा कहते हैं, तुम्हारे पापा को भी आना होगा, तुम्हारे आने से कुछ नहीं होगा। विप्लव अपने पापा को मनाने की कोशिश करता है, विप्लव के पापा नहीं मान रहे थे। विप्लव कहता है, माँ धार्मिक है तब भी आप उनके साथ क्यों हो? विप्लव के पापा कहते हैं, क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूँ। विप्लव कहता है, मैं भी आराध्या से प्यार करता हूँ। और वो जाता है, विप्लव की माँ मंदिर आती है, वो रो रही थी। वो कहती हैं, तेरे पापा की जगह मैं बैठ जाऊँगी रिक्वेस्ट करके। लेकिन विप्लव के पापा आते हैं अपने बेटे के लिए और वो हमन में बैठते हैं, लेकिन अचानक बारिश होती है। विप्लव के पापा आराध्या से कहते हैं, टेंशन मत लीजिए, आप जीत गए, मैं पूरा हवन करके ही जाऊंगा। आराध्या के पापा कहते हैं, जब आपका बेटा मेरे घर आया वो मेरी बेटी के लिए उसका प्यार था, मेरी जीत नहीं हुई, और आप भी अपने बेटे के प्यार की वजह से आए हो, मेरी जीत यहाँ भी। इंसानों में लड़ाई झगड़े अपनी सोच और आस्था की वजह से होते हैं, और इन सब के बीच में लोग इंसानियत भूल गए हैं, हमारे बीच प्यार खत्म होता जा रहा है। मैं भी हवन रुकवाने वाला था लेकिन भगवान ने ही रुकवा दिया, ये भगवान की ही मर्जी है, वो दोनों का ख्याल रखेंगे, आप हमारी बेटी को बारिश खत्म होते ही ले जा सकते हैं। विप्लव आराध्या से कहता है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब तुम मुझे जो बोलोगी मैं वही करूँगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आराध्या कहती है, मैं चाहती हूँ तुम हमेशा मेरे साथ रहो, मेरा सपोर्ट बन के। हमारे बीच लड़ाइयाँ होंगी लेकिन अब हम और स्ट्रांग होंगे, और लास्ट में हमें दिखता है विप्लव और आराध्या को बेटी होती है। विप्लव के पापा और आराध्या के पापा खुश होते हैं और दोनों सारे रिचुअल्स करते हैं, और आराध्या और विप्लव अपनी बेटी का नाम खुशी रखते हैं, और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।